आज की यह वीडियो हमने कमेंट के ऊपर बनाई है। बहुत से लोगों का कमेंट है कि हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फ्री सिलाई मशीन लेने हेतु आवेदन कर दिया है, लेकिन अभी तक हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है, ट्रेनिंग के लिए फोन नहीं आया है। ट्रेनिंग कब तक होगी, फोन कब तक आएगा, प्लीज बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को इस प्रकार की नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दिया जा रहा है, और इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं। तो जैसे बहुत से लोगों का सवाल है कि हमने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, लेकिन अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है, ट्रेनिंग कब तक होगी, ट्रेनिंग के लिए फोन कब आएगा। तो देखिए, जब आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फ्री सिलाई मशीन लेने हेतु ऑनलाइन तरीके से CSC जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर देते हैं, तो आपके आवेदन फॉर्म का त्रिस्तरीय जांच होती है। क्या होती है? जांच होती है। तो इसमें त्रिस्तरीय जांच जो होती है, तो पहली जांच होती है ग्राम पंचायत स्तर से, दूसरी जिले स्तर से और तीसरी राज्य स्तर से। तो पहले ग्राम प्रधान के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाती है। ग्राम प्रधान जी वेरीफाई करते हैं कि हाँ, ये हमारे ग्राम पंचायत से हैं और दर्जी का कार्य करते हैं, टेलर हैं, कपड़ा सिलने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, जब ग्राम प्रधान आपके आवेदन फॉर्म को अप्रूव्ड कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, तब आपका आवेदन फॉर्म आपके जिले स्तर पर भेजा जाता है। तो जिलाधिकारी महोदय यानी DM साहब के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन करके राज्य स्तर पर भेज दिया जाता है। तो राज्य स्तर पर भी आपके आवेदन फॉर्म का वेरीफाई हो जाता है, और यह वेरीफाई का सिस्टम जो है ऑनलाइन तरीके से ही किया जाता है। उसके बाद पुनः आपका आवेदन आपके जनपद में आ जाता है। जब आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब आपके जनपद से 2 दिन पहले ट्रेनिंग के लिए फोन किया जाता है लाभार्थियों के पास कि आपने PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फ्री सिलाई मशीन लेने हेतु आवेदन किया है, आपकी ट्रेनिंग है, आपके जनपद में आपको आना है। तो देखिए, PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सभी जनपदों में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, और उसी ट्रेनिंग सेंटर पर लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है, 2 बैच में ट्रेनिंग होती है। एक बैच में कम से कम 30 महिलाएं, अधिक से अधिक 40 महिलाएं रखी जाती हैं, और यह ट्रेनिंग जो होती है 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। पहली आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है जो 5 दिन की होती है, और दूसरी ट्रेनिंग कुछ दिनों के बाद होती है जो कि 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, और वह एडवांस ट्रेनिंग होती है। और जितने दिन आप ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रतिदिन 500 रुपया यात्रा भत्ता के रूप में भी दिया जाएगा। तो जैसे बहुत से लोगों का सवाल है कि हमने आवेदन कर दिया, आवेदन किए 1 से 2 माह हो गया, लेकिन अभी तक ट्रेनिंग के लिए फोन नहीं आया है। तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग प्रदान कर दी जा चुकी है, और 7 लाख से अधिक लोगों को फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दिया गया है, उनको सिलाई मशीन वितरण की गई है। तो इसमें बहुत ज्यादा आवेदन हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आवेदन हो रहे हैं। तो इसमें ट्रेनिंग होने में भी समय लगेगा, और आपके पास फोन करने में भी समय लगेगा, क्योंकि सीरियल वाइज से सारे काम होते हैं। आपके पंचायत वार से जब लिस्ट जाएगी, जब आपका नंबर आएगा, तब आपके नाम से आपके पास फोन किया जाएगा, और यह फोन 2-3 दिन पहले आपके पास किया जाएगा। आपको जानकारी दी जाएगी कि ट्रेनिंग के लिए आपको आना है, आपको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, और आपको सिलाई मशीन खरीदने हेतु 15,000 रुपए का टूल किट भी प्रदान किया जाएगा। ठीक, और इसको लेकर के आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है, आचार संहिता भी लग चुकी है, इसमें कुछ काम रुक भी गया है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ये मत सोचिएगा कि यह योजना बंद हो जाएगी चुनाव के बाद, योजना बंद नहीं होगी, योजना चलती रहेगी, क्योंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, योजना बंद नहीं होगी। तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन नहीं जाएगा, इसके बारे में
में भी जान लीजिए। तो कौन कौन से लोग हैं जिनके पास फोन नहीं जाएगा, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए, जिनके घर में सरकारी नौकरी होगी उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, और जिनका आवेदन फार्म ग्राम पंचायत स्तर से रिजेक्ट हो गया है, ग्राम प्रधान के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है, उन व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका आवेदन फार्म उनके पंचायत से ही रिजेक्ट हो गया है। तो कुछ यही समस्याएं हैं, इसी वजह से ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहा है, फोन नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखिए, ट्रेनिंग के लिए फोन जरूर आएगा, सीरियल वाइज से आएगा। ठीक, तो जैसे बहुत से लोग हैं इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस योजना में आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने हैं तो योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या है, तो हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना करके अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक अभी आप सबको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और पीएम विश्वकर्मा फ्री सिलाई मशीन योजना से संबंधित यदि आप सभी के कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।